Hello everyone, in this video I'll be completing the second half of slot 2 quant of 2019 CAT paper. I have discussed the first 17 questions in the previous video. Uska link description mein hai, aap check kar sakte hain. So let us start. The 18th question or the first question of this slide. The base of a rectangular pyramid. The base of a rectangular pyramid is a square. ठीक है, तो एक मैं पिरामिड आपको बना के दिखाता हूँ. पिरामिड होता कैसा है, तो दिस इज अ पिरामिड, स्क्वायर इसका बेस है. ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर. एंड पिरामिड में क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट से सारे ही वर्टिसेस स्क्वायर के कनेक्टेड होते हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ 3D फिगर, यू कैन इमेजिन. पिरामिड सबने देखा होगा वैसे. ठीक है, सो दिस इज अ पिरामिड. अब इसमें क्या होता है, द बेस इज अ स्क्वायर. सो बेस इज अ स्क्वायर एंड ईच ऑफ द फोर sides of equilateral triangle, length of each being 20. So this is an equilateral triangle. ठीक है, I am making the triangle in red color. So this is the triangle, equilateral triangle है ये. ठीक है, ये side और ये. So this is 20, this is also 20 and this is also 20. So side of square is also 20. ठीक है ना, square के सारे sides equal होते हैं, equilateral triangle के सारे sides equal होते हैं. ठीक है, so this is 20. हमसे पूछा क्या है, the vertical height of pyramid. तो वर्टिकल हाइट ऑफ पिरामिड मींस दिस लेंथ, वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ. ओके, अब ये 3D में है, यू कैन इमेजिन दिस ट्रायंगल. सी आई एम मेकिंग इन रेड कलर. यहां से यहां मैंने सेंटर पॉइंट जोड़ दिया और यहां से यहां ये जॉइन होगा. ठीक है, समझ आ रहा है. सो दिस इज अ ट्रायंगल. अब इसके तीनों साइड्स अगर मैं निकाल लूं, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज वर्टिकल हाइट मींस दिस विल बी एट 90 डिग्री. ओके, दिस विल बी एट 90 डिग्री. नाउ लेट अस थिंक हम इसको कैसे निकाल सकते हैं. फॉर फाइंडिंग आउट वी हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग एक्स. सो इसके लिए मुझे ये चाहिए और ये चाहिए. ठीक है, नाउ दिस इज दिस थिंग. इफ यू टेक दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, या फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, ये इस इधर वाले जो फेस है. आई कैन नॉट मेक इट इन अ 3D. ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प यू विजुलाइज इन 3D. यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, इमेजिन दिस. तो दिस साइड इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अंडरस्टूड, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैंने टेढ़ा कर रखा है, उसका ये हाइट ही तो होगा. ये हाइट है. ठीक है, सो दिस इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. व्हाट इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/2 इनटू साइड. ठीक है, ये कैसे निकलता है इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, दिस इज ए, दिस इज ए बाय टू. पाइथागोरस थ्योरम लगा होते हो, हाइट आ जाएगा √3/2. सो दिस साइड इज √3/2 इनटू व्हाट इज ए, 20. ठीक है, सो दिस इज 10√3. हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया 10√3. अब ये क्या है, ये तो आधा है स्क्वायर के साइड का, आधा है. सो दिस इज 20/2, 10. तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, रूट ऑफ 10√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ. एग्जाम में मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, 10√3 का स्क्वायर मन में हम निकाल सकते हैं 300, 10 का स्क्वायर 100. सो दिस इज √200, दैट इज 10√2. क्लियर है, इसका आंसर 10√2 है. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, बस आपको इसमें पता होना चाहिए था कि व्हाट इज अ पिरामिड और मुझे उसका हाइट निकालना है. उसके लिए मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसका ये मुझे निकालना है, ये साइड विजुलाइज करना था. दिस इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, दीज इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इसका ऑल्टीट्यूड होगा. ठीक है, ठीक है ना, और दिस इज द हाफ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, ये सबको क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इफ एक्स इज अ रियल नंबर देन लॉग ऑफ दिस थिंग इज अ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ. तो रियल नंबर कब होगा, अगर रूट में नेगेटिव टर्म आ गया तो इट विल बी एन इमेजिनरी नंबर. ठीक है, रियल नंबर नहीं होगा. मतलब कि जो इसके अंदर है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. सो आई कैन राइट लॉग ई 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, समझ आ गया. नाउ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लॉग सबने पढ़ा होगा, ई पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3. अभी 3 को इधर ले आओ या फिर एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. अब ये लेस देन 0 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि मैं इसको इधर ले गया हूँ. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज x माइनस 1 इनटू x माइनस 3, क्लियरली विजिबल है. ठीक है, दिस कैन बी ब्रोकन इनटू माइनस 1 एंड माइनस 3, सो दिस प्रोडक्ट इज आल्सो 3. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. तो दिस इज लेस देन 0, दैट मींस x बिलोंग्स टू 1 2 1 2 3. ठीक है, तो ये ऑप्शन में है, सी ऑप्शन. अच्छा, मैं इसको डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर सकता हूँ क्या, ये तो मैंने प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया, मतलब दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्टली ऑप्शन से चेक करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, देखो ये पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है. अब इसमें दे रखा है कि एक्स कैन बी
ग्रेटर देन माइनस थ्री और इक्वल टू माइनस थ्री एज वेल. तो माइनस थ्री पुट करके मैं देखता हूँ कितना आ रहा है. माइनस थ्री अगर मैं पुट करता हूँ, दिस इज माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन, सो दिस इज अ नेगेटिव टर्म. अगर मैं नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ तो दिस इज अ नेगेटिव टर्म. नेगेटिव टर्म हो सकता है कि लॉग के अंदर? नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है. तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है, साफ दिख गया मुझे, 2 सेकंड के अंदर दिख जाएगा कि नेगेटिव टर्म आ रहा है, ये गलत है. सेकंड ऑप्शन है 1 से 2 के बीच में, ठीक है. और थर्ड ऑप्शन है 1 से 3 के बीच में. तो ऑब्वियसली मैं इसको चेक नहीं करूंगा, ठीक है. मैं इसको चेक करूंगा और इसमें मैं 3 को चेक करूंगा. अगर ये गलत है तो मैं इस पे शिफ्ट करूंगा. समझ आ रहा है? क्योंकि दिस सेट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस सेट. समझ आ रहा है ना? चलो तो मैं 3 चेक करता हूँ. 3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? सो दिस इज 4 × 3 = 12 माइनस 9/3. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस इज अ रियल नंबर. एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ. इसको चेक कर, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली ये भी सेटिस्फाई करेगा ही. तो ऑब्वियसली मैं इस पे जाऊंगा, ठीक है. मतलब 3 सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगा. अगर 3 नहीं करता तो मैं इस पे आता. ऑप्शन चेकिंग मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है. अब यहाँ पे मुझे माइनस 1 से 3 है. माइनस 1 से 3 में 0 भी बीच में आएगा. तो 0 पुट करके देखो, 0 आ जाएगा. ये 0 पुट करते 0 आ जाएगा, मतलब 0 इसका पार्ट है ही नहीं. तो ये भी गलत हो गया. तो सीधे ऑप्शन से मेरा आंसर टिक गया कि सी होगा. अगर 3 सेटिस्फाई नहीं करता ना तो बी को मैं टिक मार देता. समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये हो गया ऑप्शन हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है. बिना अगर सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो लॉग में बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन पुट करके आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एबीसी अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो सबसे पहले एक एबीसी ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज ए, दिस इज बी विथ हाइपोटेन्यूज बीसी. अच्छा, हाइपोटेन्यूज बीसी है तो दिस इज बीसी एंड दिस इज ए ऑफ लेंथ 20. दिस इज 20. इफ एपी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बीसी, एपी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? चलो, AP is a perpendicular on BC. If then maximum possible length of AP. तो इसका maximum possible length पूछा है. तो always remember that maximum possible length होगा जब ये symmetric सा figure है, isosceles triangle है, मतलब symmetric है. जब ये equal है, ये equal है, तभी ऐसा होता है, ठीक है. तो symmetric figure होगा तो ये equal है, मतलब this is 10, this is 10, ठीक है. Understood? अच्छा, अगर hypotenuse 20 होगा तो समझ आ रहा है ना, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी isosceles ट्राइंगल में, this is a, this is a, then this is a root 2. Clear रखो इस चीज को, ठीक है. Square का भी diagonal a root 2 होता है. तो 20 is a root 2. So what will be the side? 20 upon root 2. ठीक है ना? तो this is 10 root 2. मतलब हमें पता है कि this is 10 root 2. I will use another color. This is 10 root 2. This is 10. So, ये हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे 90 degree है, तो this is hypotenuse, ठीक है. तो 10 root 2 whole square is equals to 10 square plus AP square. तो मुझे साफ दिख रहा है कि 10 root 2 तभी होगा जब ये भी 10 होगा, ठीक है. क्योंकि A square plus A square is equals to 2A square, that is root 2A का whole square. ये clear होगा, ठीक है. इसका answer क्या है? 10, ठीक है ना. अच्छा, 10 से बड़ा कोई option है भी नहीं, ठीक है ना. तो 10 ही maximum value है. Next question पे चलते हैं. हमेशा याद रखो, ऐसे जो मैक्सिमम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें जनरली यही होता है कि सिमेट्रिक फिगर होगा तब मैक्सिमम होता है, ठीक है. क्लास में पढ़ा होगा सबने. तो ये भी इजी क्वेश्चन, अभी तक तीनों क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चंस थे, ये एग्जाम में नहीं छोड़ना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. टू एंड्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल, ठीक है, एट द सेम टाइम. दैट दिस इज अ सर्कल. लेट मी ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल. दिस इज अ सर्कल. A एंड B स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P. दिस इज अ पॉइंट P. ये A है, ये B है, दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे एट द सेम टाइम विद A मूविंग क्लॉक वाइज. सो A विल मूव लाइक दिस एंड B विल मूव लाइक दिस. दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM. अब ये 10 AM पे कहीं पे मिलेंगे, मतलब कहीं 10 AM से पहले स्टार्ट किया होगा. When A has covered 60% of the track, A has covered 60% of the track. This is 50% of the track. मतलब A इधर से जा रहा है तो A यहाँ पे पहुंचा होगा. मतलब सपोज दिस इज 100 मीटर्स, ट्रैक इज ऑफ 100 मीटर्स. तो A हैज कवर्ड 60 मीटर्स एंड B हैज कवर्ड 40 मीटर्स. बिकॉज़ A और B मीट करेंगे तो A और B दोनों यहाँ पे हैं. A ने 60% कवर किया है तो B ने 40% कवर किया होगा. सो दिस इज 40 मीटर्स एंड दिस इज 60 मीटर्स. यहाँ तक क्लियर है? सो आई कैन से दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय A इज 60 मीटर्स, distance covered by B is 40 meters in the same time. Meet कर रहे हैं, मतलब दोनों ने साथ में start किया और दोनों साथ में meet कर रहे हैं तो दोनों ने time equal लिया होगा. So we can say that speed of A upon speed of B का ratio क्या है? 3:2 है. Simple है, समझ आ रहा है?
थ्री इज टू, 60/40 3:2, ठीक है। तो स्पीड इनका हमें पता चल गया 3:2 है। नाउ आगे क्या दे रखा है हमें, इफ ए रिटर्न्स टू पी एट 10:12, मतलब कि 12 मिनट्स लगा है ए को, 12 मिनट्स मतलब 12/60 आवर्स, इतना या 12 मिनट्स में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मिनट्स लगा है ए को पी पे वापस जाने में, मतलब 40 मीटर्स, ए हैज टू कवर 40 मीटर्स टू रीच पी, एंड बी हैज टू कवर हाउ मच, 60 मीटर्स। बी को अभी कवर करना है 60 मीटर्स, ए को कवर करना है 40 मीटर्स टू रीच पी, है ना, समझ आ रहा होगा। तो 12/60 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ए अपॉन स्पीड ऑफ ए। अब स्पीड ऑफ ए मुझे 3:2 रेशियो में है, तो मैं 3x और 2x इनका स्पीड ले लेता हूं। यहां से मुझे x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 60 इधर आएगा, ठीक है, इसको काट देता हूं 20 से, ठीक है, इसको काट देता हूं 4 से, तो x की वैल्यू आ गई 200/3, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, देन b रिटर्न्स टू p एट, तो b कितने देर में रिटर्न करेगा, डिस्टेंस कवर टू बी कवर्ड बाय b अपॉन स्पीड ऑफ b इज 2x, x की वैल्यू क्या है 200/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल कर दो इसको 2 से 3 टाइम्स, ठीक है, ठीक है ना, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, नीचे 20 है, तो दिस इज एन आवर्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना कि आवर्स में आंसर आएगा, क्योंकि मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे मेरे पास मिनट्स में है, ठीक है, तो ये कितना आवर्स आ रहा है, दिस इज 9/20 आवर्स, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 मिनट्स, दैट इज 10:27, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे मिले थे दोनों, तो 10:12 मिनट में ये पहुंच जाएगा और ये 27 मिनट में पहुंचेगा। सबको क्लियर हो गया, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में करना है, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एम एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई, ठीक है, द इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 105, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 105, ठीक है। अब मुझसे पूछा है कितने इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसमें ऑप्शंस नहीं मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको ना सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिखता है, आई कैन राइट दिस इज एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, और यहाँ पे 105 है। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 105 है, तो इसको मैं दो चीजों में कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, 105 के फैक्टर्स क्या होंगे, 105 1, ठीक है, उसके बाद इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 35 और 3, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 7, और यहाँ पे 7 15 105, और इसके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर से लिख लो, ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो 105 के फैक्टर्स 1 से स्टार्ट करो, 2 नहीं होगा 3 होगा, ठीक है, 5 होगा, ठीक है, 7 होगा, 15 7 105, ठीक है ना, 7 होगा, 9 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, अच्छा इसके सीधे 15 होगा। अब देखो मेरा एक पेयर बन गया ना 15 7, तो इसका भी पेयर बनेगा 27 के साथ, इसका भी पेयर बनेगा 35 के साथ, और इसका पेयर 105 के साथ, ये मेरे चार पेयर्स बन रहे हैं। एक मेरा पेयर क्या बनेगा 27 into 5, ठीक है, 5 into 27, ये मेरे चार पेयर्स बन गए, मतलब कि दिस कैन बी 105 एंड दिस कैन बी 1, सॉरी दिस इज नॉट पॉसिबल, उल्टा होगा, दिस कैन बी 1 एंड दिस कैन बी 105, देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस यू कैन सॉल्व, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वैल्यू नहीं पूछा है तुमसे, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर m प्लस n की वैल्यू 105 हुई, तो एक पेयर पॉजिटिव इंटीजर्स का इसको सेटिस्फाई करेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, m विल बी, ये मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ये निकालना जरूरी नहीं है, ठीक है, m विल बी 106/253 एंड n विल बी 52, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है एक पेयर। इसी तरीके से 35 3 इसको लेंगे, 35 इसको लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है, एक पेयर और बनेगा 15 और इधर 7, इधर 15, इधर 27 और इधर 5, तो 4 पेयर्स बन रहे हैं। अब बच्चों को डाउट आएगा सर इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, एक बार मैं रिवर्स लेके दिखाता हूँ, मतलब सॉरी इधर मैंने 5 इधर लेना है, 27 इधर लेना है, क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने m माइनस n को 27 ले लिया, बड़ी वैल्यू ले ली डिफरेंस को, और इधर मैंने इसको ले लिया 5, तो इससे दिक्कत क्या आएगी, जब सॉल्व करोगे ना तो 2m की वैल्यू कितनी आ रही है 16, ठीक है, तो m की वैल्यू आ रही है 8, तो m की वैल्यू 8 आ रही है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, सोचो नेगेटिव आ जाएगी, दिख रहा है, समझ आ रहा है क्या, 2m की वैल्यू कितनी आ रही है 32, सो m is 8, दैट मींस n is 19, माइनस 19, एक मिनट, m is 8 देन n is माइनस 3, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो एक मिनट, 2m is equals to 32, 27, m plus, मैंने m minus n को 5 लिया है, अच्छा मैंने
ठीक है, मैंने सन को 27 लिया है, ये तो पेयर सेटिस्फाई करेगा। मैं उल्टा लेके देख रहा हूँ कि इसमें इसको मैं, जैसे कि यू कैन से दैट 27 एंड 5 को भी लो, इसको हम क्यों नहीं ले सकते। आई एम टेलिंग दैट m minus n is 27, m plus n is 5. So if I solve this, then m is 2m is equals to 16. अच्छा 2m is equals to 32. मैंने मन में divide करके दोबारा divide कर रहा था, ठीक है? तो 2m is equals to 32, so m is 16. तो m अगर 16 होता है, तो n की value देखो क्या आती है? n की value negative आ जाएगी, minus 11. समझ आ रहा है? तो हमें positive दे रखा है, इसलिए मैं reverse pair नहीं ले सकता। मतलब m minus n जो होगा, उससे बड़ा वाला value होगा m plus n. मतलब मुझे छोटी values 1, 3, 5, 7 इधर लेनी है, 105, 35, 27 और 15 इधर लेना है। अगर इसको रिवर्स कर, मतलब यहाँ पे 4 पेयर्स पॉसिबल है, अगर रिवर्स पेयर पॉसिबल होता तो 8 पेयर्स होता, लेकिन रिवर्स पेयर पॉसिबल क्यों नहीं है? रिवर्स पेयर मतलब एम एन एन एम, तो रिवर्स पेयर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। अगर तुम रिवर्स करोगे, मतलब एम माइनस एन को 105 लोगे, तो एक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए हम नहीं ले सकते। ओनली 4 पेयर्स आर पॉसिबल। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये, करने लायक क्वेश्चन था, बस आपको फैक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए था, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सैलरीज ऑफ रमेश गणेश एंड राजेश, रमेश गणेश एंड राजेश का सैलरी गिवन है 6 रमेश गणेश राजेश, सैलरी इनका 6:5:7 इस रेशियो में गिवन है, ठीक है? एंड दिस इज इन 2010 एंड 2015 द रेशियो ऑफ देयर सैलरीज 3:4:3, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं 60, 50 और 70 ले लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहता है। यहाँ पे मुझे इनका रेशियो पता है 3:4:3। अब मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, वो फैक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है? मतलब यहाँ 6x, 5x, 7x लोगे तो यहाँ 3y, 4y, 3y ले सकते हो, वापस x नहीं ले सकते, ठीक है? अभी यहाँ पे मुझे एक हिंट दे रखा है इन दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए कि रमेश का सैलरी वाज इंक्रीज बाय 25%। सो रमेश का सैलरी अगर 25% इंक्रीज करते हैं तो 60 × 1.25 = 75, या फिर 60 से 25, व्हाट इज 25% ऑफ 60, 1/4 ऑफ 60 इज 15, 60 प्लस 15 इज 75, मतलब कि दिस 3 रेशियो इज 75, मतलब दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 25, सो दिस विल बिकम 100 एंड दिस विल बिकम 75, मतलब इनका वैल्यू 75, 100 और 75 है। समझ आ गया? 3:4 है और 3 वाले की वैल्यू 75 है, तो ऑब्वियसली इसको ऐसे सोच सकते हो 3/4 = 75/x, सो x विल बी 25 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 1:25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन राजेश, सो दिस वाज रमेश एंड दिस वाज राजेश, तो राजेश का कितना इंक्रीज होगा? राजेश का 70 से 75 हो गया है, मतलब 5 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है? अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, सो 70 × 100 लिखने की जरूरत नहीं, मुझे दिख रहा है कि दिस इज 1/14, 1/14 का वैल्यू याद होगा, 1/7 इज 14.28%, 1/14 इज हाफ ऑफ दिस 7.14%, तो ये क्लोजेस्ट जो है 7% है, ठीक है? इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें अभी तक लगातार 6 क्वेश्चन इजी थे। अ मैन मेक्स कंप्लीट यूज ऑफ 405 cc ऑफ आयरन, आयरन उसने लिया 405, ठीक है? सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है? सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। एल्यूमिनियम उसने कितना लिया 783 और कॉपर उसने लिया है 351। टू मेक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, मतलब इसको सिलेंडर्स बनाने हैं, पायर स्क्वायर एच वाले सिलेंडर्स, दीज सिलेंडर्स हैव द सेम वॉल्यूम ऑफ ईच टाइप ऑफ मेटल, मतलब ये मिक्स नहीं कर रहा, इसके अलग अलग सिलेंडर्स बना रहा है, इसके अलग अलग सिलेंडर्स बना रहा है, और सबका वॉल्यूम सेम है, सारे सिलेंडर्स का वॉल्यूम सेम है। मतलब ऐसा क्वेश्चन देखते ही तुम्हें फील आना चाहिए कि ये क्वेश्चन या तो SCF या तो LCM से रिलेटेड है, ठीक है? Each of these have radius of 3. अब इसका रेडियस मुझे पता है, मुझे इसका हाइट नहीं पता है, ठीक है? ये तो छोटे सिलेंडर्स बनेंगे ना, मुझे पूछा इफ द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज टू बी केप्ट एट मिनिमम, मिनिमम सिलेंडर्स मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब जैसे कि इससे मैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बना सकता हूँ इक्वल वॉल्यूम के, लेकिन बहुत सारे सिलेंडर बनेंगे। फिर इनका कॉमन फैक्टर और क्या है, ये 3 का है इसका फैक्टर, 3 इसका भी फैक्टर है, 3 इसका भी फैक्टर है, तो 3 क्यूबिक सेंटीमीटर के भी मैं क्यूब बना सकता हूँ, उसके भी कुछ नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, 135 क्यूब्स बनेंगे। यहाँ पे ज्यादा क्यूब्स बन रहे हैं, मुझे क्यूब्स को मिनिमम रखना है, मतलब मुझे हाईएस्ट पॉसिबल वॉल्यूम लेना है, हाईएस्ट पॉसिबल वॉल्यूम के क्यूब्स लेने हैं सब में से, मतलब वॉल्यूम ऐसा हो जो कि इसका फैक्टर भी हो। मतलब ये क्वेश्चन SCF का है, क्लास में पढ़ा होगा तो समझ आ जाएगा। देखो
इसमें मुझे नंबर ऑफ सिलेंडर्स को, मैंने क्यूब बोल दिया था शायद, नंबर ऑफ सिलेंडर्स को मिनिमम रखना है, मतलब कि मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमम रखना होगा, ठीक है. व्हाट इज नंबर ऑफ सिलेंडर्स, व्हाट इज नंबर ऑफ सिलेंडर्स, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच ईच सिलेंडर. तो ये जितना ज्यादा होगा उतना नंबर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है. जैसे तुम्हारे पास हजार मीटर क्यूब का तुम्हारे पास कुछ है, क्यूब है, उससे तुम्हें क्यूब्स बनाने हैं. तो तुम 1 मीटर क्यूब के 1000 क्यूब बना सकते हो, 2 के 500 बना सकते हो, 10 के 100 बना सकते हो. तो जितना ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम होगा ना उतना कम कम सिलेंडर बनेगा, और मुझे मिनिमम सिलेंडर रखने हैं. तो मैं इन सब का SCF लूंगा, इन तीनों नंबर्स का SCF लूंगा. SCF क्यों लूंगा, क्योंकि तीनों से मुझे इनको कम्प्लीटली यूज करना है, ठीक है. इनका जो सामान है ना, कम्प्लीट यूज लिखा हुआ है, मतलब कि मुझे कुछ बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर. मतलब ऐसा वैल्यू लूंगा वॉल्यूम का जो कि तीनों का फैक्टर हो, ऐसा वैल्यू लूंगा जो कि तीनों का फैक्टर हो. मतलब एक एक ले सकता हूँ, तीन तीन ले सकता हूँ, 9 ले सकता हूँ, क्या 9 भी ले सकता हूँ, ठीक है. तो इनका मुझे SCF निकालना है, 405, 783, 351, समझ आ रहे हैं. तो इसका मैं SCF निकालता हूँ. मैं पहले इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस खाली करता हूँ. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का भी ले सकता हूँ, लेकिन वो बहुत सारे क्यूब्स आएंगे, मैक्सिमम क्यूब्स आएंगे फिर, ठीक है. मुझे मिनिमम क्यूब्स निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे. ये सब भी मैं हटा देता हूँ, मेरे हिसाब से क्लियर होगा इसमें हमें करना क्या है, ठीक है. अब SCF कैसे हम निकालते हैं, जल्दी से SCF कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइज करो. वो बच्चों वाला मेथड हम नहीं करेंगे. बच्चों वाला मेथड मतलब ऐसे जो करते थे ना, ऐसे ऐसे करके तीनों नंबर लिखा फिर ऐसे ऐसे, वो नहीं करेंगे. देखो इसको हमें दिख रहा है कि 9 का मल्टीपल है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 9 है, तो 9 का मल्टीपल है. 9 into 45. इसको मैं वापस स्प्लिट कर सकता हूँ, 45 को मैं 9 into 5 लिख सकता हूँ, मतलब दिस इज 9 square into 5. समझ आ गया. 9 square प्राइम नंबर नहीं है, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करता है, तो दिस इज 3, 4 into 5 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. इसको भी मैं 9 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो दिस इज 9 into 9, 8 is 72. 9 into 8 is 72, 9 7 is 63, ठीक है. 9 into 87, clear है ना. 9 8 is 72, 6 3, 9 7 is 63. अब 87 को मैं वापस प्राइम नंबर्स में तोड़ सकता हूँ, so 9 into 3 into this is 29, 3 is 87, ठीक है. So this is 3 का cube into 29. और यहाँ पे 9 से डिवाइड करो, ये भी 5 plus 3 plus 1, 9 का मल्टीपल है, तो दिस इज 9 into 39 है, ठीक है. 9 into 40 is 360, उससे 9 कम है, मतलब एक फैक्टर कम है. दिस इज 39 is 13 into 3, सो दिस इज आल्सो 3 cube into 13. SCF कैसे निकालते हैं, मुझे हाई जो कॉमन, सबसे पहले तो हाई SCF के लिए कॉमन होना चाहिए, तो ये तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे SCF में. 3 cube तीनों में कॉमन है, 3 cube यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 cube इज द SCF. मतलब मैं 27 cubic centimeter के सिलेंडर्स निकालूंगा. अगर मैं 27 cubic centimeter के सिलेंडर्स यहाँ लेता हूँ, तो कितने सिलेंडर्स बनेंगे, कितने सिलेंडर्स बनेंगे, देखो 27 ये है, तो 3 into 5, 15 बनेंगे. डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ 27 इससे डिवाइड कर दूंगा, ये क्योंकि ये नंबर यही तो है. यहाँ पे कितने आएंगे, 29 into 29 बनेंगे, ठीक है. 27 तो यही है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं, और इधर 13 क्यूब्स बनेंगे. तो टोटल क्यूब्स कितने आ गए, ऐड कर दो. समझ आ रहा है, मतलब इसमें 29 क्यूब्स, सॉरी मैं सिलेंडर्स की जगह क्यूब्स बोल रहा हूँ, 29 सिलेंडर्स पॉसिबल है 27 क्यूबिक सेंटीमीटर के. समझ आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सिलेंडर्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर. हमने वॉल्यूम 27 क्यों लिया है, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल वॉल्यूम, हाईएस्ट पॉसिबल वॉल्यूम जो कि तीनों में कॉमन है. मतलब कि इसमें इतने वॉल्यूम का अगर मैं सिलेंडर्स बनाता हूँ तो कंप्लीट यूज होगा, कुछ स्पेयर नहीं रहेगा. समझ आ रहा है, 27 क्यूबिक सेंटीमीटर के 29 सिलेंडर्स यहाँ बनेंगे, 27 सेंटीमीटर क्यूब के 13 सिलेंडर्स यहाँ बनेंगे, ठीक है. इसको ऐड करो तो 15 plus 13 is 28 plus 29, 57 टोटल क्यूब्स बनेंगे. ये तो मेरा क्लियर हो गया कि 57 टोटल क्यूब्स बनेंगे. मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है. अब यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ मैं, ये चीज सबको क्लियर होगी, ठीक है ना. ये व्हाट इज दिस, दिस इज द व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो कि इनसे हम बना सकते हैं, सो दैट देयर इज कंप्लीट यूसेज, कुछ रिमाइंडर ना बचे. और दिस इज द नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, क्यूब्स में बताने क्यूब्स क्यों बोल रहा हूँ, सिलेंडर्स, ठीक है. तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स 15 बनेंगे यहाँ से, 27 वॉल्यूम के, यहाँ 27 वॉल्यूम के 29 क्यूब्स बनेंगे, सिलेंडर्स बनेंगे, और यहाँ 27 वॉल्यूम के 13 सिलेंडर्स ही बनेंगे. टोटल सिलेंडर्स पॉसिबल इज 57. यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है ना. अब मुझे निकालना है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मतलब 57 वॉल्यूम ऑफ, नंबर ऑफ सिलेंडर्स इनटू सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर. सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर कितना होगा, पाई. टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, तो इसमें आता है, मतलब ऊपर नीचे
तो टू यहाँ पे टू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर प्लस लेटरल सर्फेस एरिया कितना होता है पाई आर, टू पाई आर एच, तो ये कितना आ जाएगा 57 इंटू टू इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई भी कॉमन ले लो तो आर स्क्वायर प्लस आर एच, ठीक है, मतलब 57 इंटू टू पाई आर और आर प्लस एच। कुछ लोगों को ये डायरेक्टली याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे निकालना है। अब मुझे h निकालना पड़ेगा, h कैसे निकालेंगे, देखो मुझे वॉल्यूम पता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर इज रेडियस इज गिवन 3 इंटू हाइट एंड दिस इज इक्वल्स टू 27, याद करो एक एक सिलेंडर का वॉल्यूम हमने 27 लिया है हाईएस्ट पॉसिबल, तो यहां से h निकलेगा, ठीक है, h निकलेगा, क्या निकलेगा 27 अपॉन 9 पाई, इसको ऐसे ही छोड़ दो 27 अपॉन 9 पाई। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं बाकी चीजों को, यहाँ तक सबको ये देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको बच्चे छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें हमें सबसे पहले 20 क्वेश्चंस निकालने हैं, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। लेकिन इसमें भी एक शॉर्टकट है वो मैं बताता हूँ, देखो इसको पहले मैं नॉर्मली सॉल्व कर देता हूँ फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, ये सबको समझ आ गया होगा मैंने 27 क्या निकाला था और क्यों निकाला था, मुझे नंबर ऑफ सिलेंडर्स को मिनिमाइज करना था इसलिए मैंने पर सिलेंडर वॉल्यूम को मैक्सिमाइज किया था, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो 57, अब देखो पाई आर स्क्वायर एच हाइट आ गया, अब मैं यहाँ पे हाइट की वैल्यू पुट कर दूंगा 57 इंटू 2 इंटू पाई, देखो इसको जो बच्चे सॉल्व करते हैं ना टाइम वेस्ट करते हैं, इसको मैं 3 बाय पाई लिख सकता हूँ वैसे, क्योंकि पाई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कट जाएगा, ठीक है, नहीं भी कटेगा तो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, हो सकता है मेरा टाइम सेव हो जाए, ना हो तो हमें कैलकुलेट करना ही था वैसे भी, यहाँ करो यहाँ करो, ठीक है। एच की वैल्यू रख दी मैंने, सॉरी एच की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखनी, एच की वैल्यू वहां पे रखनी है, ये यहाँ पे 2 पाई इंटू आर है तो आर इज 3 ओनली, R is 3 only. Wait a minute. I will rub this. Okay. R is 3. So, उसके बाद R plus H. तो 3 plus H is 3 by pi. अब इसको solve करना है. ठीक है? Solve कर देता हूँ मैं. 57 into 6 pi into 3 pi plus 3 upon pi. तो pi pi कट गया यहाँ पे. यहाँ मुझे पाई प्लस वन दिख रहा है तो एक ही ऑप्शन में है, तो मैं यहाँ से सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, बाकी मैं इसका एक और तरीका बताता हूँ। मैं ना ये सब हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं, ये सब मैंने फालतू किया था, देख लेते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं। मुझे पता है कि यहाँ 57 है, 57 19 का मल्टीपल होता है, हमारा आंसर भी ऑब्वियसली 19 का मल्टीपल होगा, ये समझ आ रहा है, हमारा आंसर भी 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं एक बार ना ये सब करने से पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि कौन सा ऑप्शन 19 का मल्टीपल है। 19 5s of 95 होता है तो obviously 19 का मल्टीपल नहीं है, 19 4s of 76, 86, 8 कैरी हो गया, 86, 19 4s of 76 और 104, 19 6s of 114 होता है, ये भी गलत है, 19 6s of 114 होता है, ठीक है, टेबल याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 से 20 का टेबल फॉर इंक्रीजिंग और कैलकुलेशन स्पीड, 19 5s of 95 फिर 94, ये भी मल्टीपल नहीं है। तो मैंने जो ये सब कुछ कैलकुलेशन किया था ना, ये सब बकवास था, मतलब कि बकवास मतलब टाइम वेस्ट था, हम इसको जल्दी कैसे कर सकते थे, हमें दिख गया था कि 57 सिलेंडर्स हैं, तो 57 इनटू वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर मुझे करना था, तो ये निकालने की जरूरत हो सकती है, जरूरत होती, लेकिन करने से पहले मैं एक बार 19 का चेक कर लूंगा कि 19 का मल्टीपल एक ही अगर ऑप्शन है तो मैं डायरेक्टली टेक मार दूंगा ना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी 57 इनटू समथिंग एंड 57 में 19 इज अ प्राइम नंबर जो कि मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, ठीक है, तो मैं 19 का मल्टीपल चेक कर लेता, अगर दो ऑप्शन 19 के मल्टीपल होते फिर मैं ये सब करता या फिर क्वेश्चन को स्किप कर देता, क्योंकि हमारा इसमें टाइम वेस्ट होने वाला है 3 से 4 मिनट। तो ये क्वेश्चन स्मार्ट बच्चे कैसे करेंगे, 19 का मल्टीपल चेक करके, और जो बच्चे इसको पूरा सॉल्व करेंगे वो 4 मिनट में इसको कर देंगे सॉल्व, लेकिन उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन स्किपिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पहली बार में स्किप करो, लास्ट में टाइम बचे तो इसको वापस ट्राई करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये 19 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 19 5s of 105, फिर 7 कैरी हो जाए, 19 5s of 95, फिर 7 कैरी होगा 76, 19 4s of 76, तो समझ आ गया, इसको ऐसे ऑप्शन चेक करके कर लेते तो हमारा बिना कैलकुलेशन किए बस 57 निकालना था मुझे और मेरा आंसर आ जाता, समझ आ गया सबको शॉर्टकट, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये शॉर्टकट तुम्हें नहीं पता था, ठीक है, तो मैं ऐसे शॉर्टकट्स और वीडियोस में बताता रहूंगा, ठीक है ना, समझ आ गया ना सबको मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मुझे यहाँ दिख गया था शुरू में ही, मुझे शुरू में दिख गया था कि 57 नंबर ऑफ सिलेंडर्स है, ये निकालना जरूरी था, इसको निकालने में 1 मिनट या 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे पता था कि मुझे 57 सिलेंडर्स इनटू सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर करना है, अब इसके लिए मुझे हाइट निकालनी थी, उसके लिए अलग कैलकुलेशन था, फिर उसको पुट करो फिर सॉल्व करो, तो सॉल्व करने से पहले एक बार 19 चेक करके देख तो लो कि 19 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है तो मैं डायरेक्टली टिक लगा दूंगा ना, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज टू रूट्स 4 एंड 3 है, वेयर ए इज एन इंटीजर. दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी. अब देखने में लग रहा है कि क्या है, एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं. हमें दो रूट्स गिवन है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज 1, तो इज इक्वल टू 7 है. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? 4a into 3a is 12a square is equals to c upon a, a is 1. तो यहां से मेरे पास ये आ गया, मुझे b square plus c निकालना है. तो एक बार b square plus c क्या होगा? b square will be 49a square and c square will be, sorry, c square नहीं है, c है, तो 12a square. So this is 61 into a square. मतलब answer will be either 61 into 1, 61 into 4, 61 into 9, ऐसे करके. देखो 9 वाला जो 61 into 1 तो 61 option में नहीं है, 61 into 4 भी option में है, 61 into 9 है क्या? Last में 9 इसमें दिख रहा है, तो एक बार check कर लेता हूँ. 9 1 9, 9 6 54, बस खत्म. ये question देखा जाए तो 30 second का simple सा question है, ठीक है? ये question सबको try करना चाहिए था, exam में करने लायक question था. जैसे ये वाला question smartly करना दिख जाता तो कर सकते थे, पूरा करते तो time waste होता. Next question देखते हैं. In a 6 digit number, the 6th, that is the right most digit, 6 digit number. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6th, that is the right most digit, is the sum of first 3 digits. ठीक है, ये digit first 3 का sum है. ठीक है, तो मैं first 3, the 5th digit is the sum of first 2 digits. This is the sum of, मैं ऐसे लिख लेता हूँ अभी के लिए, this is the sum of a plus b, this is the sum of a plus b plus c, ताकि मैं बार बार question ना पढ़ना पड़े. The third digit is equal to the first digit. So this is a only. So this is also a. ठीक है? ठीक है? The second digit is twice the first digit. So this is 2a. So this is 3a. So this is 4a. ठीक है? मतलब अब मैं थोड़ा सा ऊपर लिख सकता हूँ. मैंने यहाँ rough work किया था. ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ. Wait a minute. I will change the color of pen. This is a. This is 2a. This is a. This is 3a. And this is 4a. Step wise मैंने कैसे किया? समझ आ गया होगा. And the fourth digit is the sum of fifth and sixth. Fifth or sixth ka sum hai fourth digit. So this is 7a. Then the largest possible value of fourth digit is. Iska largest possible value. Iski values kya kya possible hai? 7, 14, 21, 28. Lekin this is a digit. Digit lies between 0 and 9. So only one value is possible. 7. Khatam. Bahut hi dikhne mein lengthy question hai. Par bahut hi cute question hai. Theek hai? Samajh aa gaya? Next question pe chalte hain. Mukesh purchased 10 bicycles in 2017, all at same price. उसने 2017 में 10 bicycles लिया. Suppose 100x पे सारा bicycles खरीदा है, तो CP is 100x for him. He sold 6 of these. मतलब 6 मतलब 60x का CP का सामान उसने profit of 25%. मतलब SP इसका कितना होगा? 1.25. अभी मैंने पिछले question में use भी किया था, ये रमेश वाले में 75 आ जाएगा. And the remaining 4 at a loss of 25%. मतलब 40x जो है इसको 25% लॉस पे भेजा, मतलब 15x का लॉस हो जाएगा. ठीक है ना? सो दिस विल बी 25x. ठीक है, 25% वेट अ मिनट, 25% ऑफ दिस, अच्छा यहाँ पे 15 नहीं होगा, यहाँ पे 10x ही सबट्रैक्ट करेंगे. 25% ऑफ 40 इज 1/4 ऑफ 40 इज व्हाट, 10. सो 10 घटेगा तो यहाँ 30x आ जाएगा. ठीक है, so this is 30x. तो total SPs का कितना है? 105x और total CPs का 100x तो है ही. If he made a total of 200 profit, मतलब 5x की value 2000 है, so x will be 400. If he then his purchase price of a bicycle in rupee was, तो एक cycle वो कितने का लिया होगा? एक cycle का CP मैंने कितना लिया था? 10 bicycles का CP इतना था. ठीक है, तो 10 bicycles, 10x, 100x का था, तो एक bicycle 10x का होगा, और 10x मतलब 4000 का एक bicycle था. ठीक है, समझ आ गया? Simple question था, ये भी सबको करना चाहिए था. ठीक है, next question पे चलते हैं. The number of common terms in two sequences. अब ये एक sequence है और ये sequence है. देखो पहला sequence क्या है? Sequence 1 is 15 के बाद 19 के बाद 23, ऐसे करके 415 तक गया है. मतलब ये सीक्वेंस में 4 का डिफरेंस है. ठीक है, 4 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस. सीक्वेंस 2 में क्या है? 14 से स्टार्ट हुआ है ये, फिर नेक्स्ट 19 है, 24 है, मतलब इसमें प्लस 5 का डिफरेंस है. तो हमें सबसे पहले इन दोनों सीरीज का कॉमन नंबर ढूंढना होगा पहला. तो थोड़े नंबर लिख के देखते हैं. 27, 31, 35, 24, 29, 34, 39, 39.
अच्छा यहाँ 19 ऑलरेडी कॉमन था और दूसरा नंबर 39 था, दूसरा नंबर भी निकालना जरूरी है कॉमन डिफरेंस के लिए। वैसे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस का प्रोडक्ट होता है, 4 × 5 = 20 डिफरेंस है। देखो 19 के बाद 39 पे गया है तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 20। सो हमारा सीरीज क्या है, जो कॉमन इनके इनके कॉमन नंबर्स का सीरीज क्या होगा, विल स्टार्ट फ्रॉम 19 देन 39 देन 20, 20 का डिफरेंस है 59, ऐसे करके लास्ट नंबर क्या होगा वो हमें देखना होगा। अब लास्ट नंबर देखो छोटे वाले से डिटरमाइन होगा क्योंकि इसके बाद वाले नंबर्स तो इसमें होंगे ही नहीं, ये तो हमें देखना ही नहीं बाद में। 415 इस सीरीज का पार्ट होगा क्या, नहीं होगा। ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि लास्ट नंबर इज 9, आई मीन द नंबर इज इन द फॉर्मेट ऑफ 20 n - 1, 20 n - 1, n की वैल्यू देखो कुछ भी पुट करो, 1 पुट करोगे तो ये आएगा, 2 पुट करोगे ये आएगा, दैट मीन्स द लास्ट टर्म विच इज पॉसिबल इज 415 से 400, या तो 409 होगा या तो 399 होगा, ठीक है। लेकिन ये 20 n - 1 के फॉर्मेट में नहीं है, ये वाला है 20 × 20 - 1 के फॉर्मेट में है, तो नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहे हैं 20 n, समझ आ गया, 20 × 20 - 1। एक बार मैं देख लेता हूँ, 19 से स्टार्ट हुआ है सीरीज और लास्ट टर्म ये नहीं होगा क्योंकि ये इस सीरीज का पार्ट नहीं है, 409 भी सीरीज का पार्ट नहीं है क्योंकि नंबर इज इन द फॉर्मेट ऑफ 20 n - 1, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसको, मैं एपी से करके दिखाता हूँ। लास्ट टर्म इज दिस, फर्स्ट टर्म इज 19 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज 20, तो सॉल्व करो ये इधर जाके घट के 380 बन जाएगा, तो 20 से डिवाइड करोगे 380 को तो 19 बन जाएगा, n माइनस 1 इज 19 सो n इज 20। सपोज करो किसी बच्चे ने सिली मिस्टेक किया है, उसने सोचा कि यार 400 लास्ट में 9 है तो 409 लास्ट टर्म होगा, सपोज करो मैंने 409 को लास्ट टर्म किया है तो मेरा n का वैल्यू देखो क्या आता है, ये 19 इधर घटेगा तो 390 बनेगा, 20 से डिवाइड होगा ना तो ये डेसिमल में आ जाएगा, 19.5 आ गया, तो ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा, तो उसको फिर दिमाग में क्लिक करेगा कि हो सकता है कि ये लास्ट टर्म हो ही ना, ये लास्ट टर्म हो, फिर वहां पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2n + 1 + 2n + 3 + 2n + 5 टिल दिस इज 5280 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टिल n। So we'll have to find out n first. So सबसे पहले इस सीरीज को देखते हैं, this is 2n + 1 + 3 + 5, so 2n will get repeated some number of times. So मैं सारे 2n's को एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है, 2n + 2n + 2n सारे 2n's को एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ अलग से, और 1 + 3 से लेके 47 तक अलग से ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 से 48 तक अगर मैं इवन नंबर्स देखूँ तो कितने होते हैं, 24, है ना, ऑब्वियसली आधा आधा, तो 1 से 47 तक इवन नंबर्स 24 होंगे, समझ आ रहा है, 1 से लेके 47 तक 24 इवन नंबर्स हैं, 2 से लेके 48 तक 24 इवन और ऑड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, तो 1 से 47 तक काउंट करोगे तो काउंट करने का टाइम नहीं है, तो हम लॉजिक यूज करेंगे कि 1 से 48 तक देयर आर 24 इवन एंड 24 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स विल एंड एट 47 ऑब्वियसली एंड इवन नंबर विल लास्ट इवन नंबर विल बी 48, सो देयर आर 24 24, सो देयर आर 24 टर्म्स, ठीक है। सो यहाँ भी 24 टर्म्स होंगे क्योंकि 2n हर एक ब्रैकेट में है, सो यहाँ पे 48n सम है, 24n, 24 इज द नंबर ऑफ टर्म्स इनटू 2n, सो दिस इज द सम ऑफ दिस साइड LHS एंड RHS इज इक्वल्स टू 5280, सो दिस इज नॉट द सम एक्चुअली, सम 1 से लेके 3 से लेके 5 से 1 + 3 + 5 + Till 47. तो यहाँ पे 24 terms है. अब इनका sum का direct formula होता है, जिनको याद नहीं उनको दिक्कत होगी. Sum of n consecutive, n of consecutive odd numbers starting from 1, 1 + 3 + till n. n is the number of terms, n terms. समझ आ रहा है? n is not the last numbers. यहाँ पे 47 square नहीं होगा sum. मतलब sum होता है n square. तो n is the number of terms. n is not the last number. जैसे अगर सिर्फ consecutive numbers होते हैं, जैसे कि 1 से लेके 2 + 3 + ऐसे, तो इसका sum होता है, जो भी होता है इसका sum, ठीक है ना? n × n + 1/2, ठीक है? समझ आ रहा है? यही होता है ना सम, जब भी कंफ्यूज हो ना बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है n × n + 1/2 और n × n - 1/2 में, तो 2-3 टर्म्स ले लो, जैसे मैंने 3 टर्म्स ले लिया, तो n को यहाँ पे 3 पुट करो, 3 × 4/2 6 आ रहा है, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ 3 पुट करोगे ना तो 3 × 2/2 आएगा, तो यहाँ से गलत आ जाता है सम, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन दो चीजों में, क्योंकि ये भी कहीं पे आता है n × n - 1/2 और कहीं पे ये आता है, तो सम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है।
ठीक है ना, समझ आ रहा है? ये होता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to n, तो इसका सम ये होता है। लेकिन अगर सिर्फ ऑड नंबर्स ले रहे हैं 1 से लेके n तक, तो इसमें n इज द लास्ट, n इज नॉट द लास्ट ऑड नंबर। यहाँ पे n क्या होता है, जैसे 1 से मैंने स्टार्ट किया तो सारे नंबर्स n तक है, 1 2 3 4 till n, तो n टर्म्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे n इज, n जो यहाँ फॉर्मूले में आता है ना, दैट इज नॉट द नंबर ऑफ, सॉरी दैट इज नॉट द लास्ट टर्म, आई मीन टू से कि यहाँ 47 का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर आता है। ध्यान रखना इस चीज का, ये जो फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब 1 plus 3, सो दिस इज 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, सो इसका सम 2 स्क्वायर होगा। 1 plus 3 plus 5 है, तो दिस इज नॉट 5 स्क्वायर, सम विल बी नंबर ऑफ टर्म्स स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा। ये सिली मिस्टेक है, छोटी सी चीज है, लेकिन बच्चे इस गलती को करते हैं। वो ना n, क्योंकि उनको ये फॉर्मुला पता होता है, वो सोचते हैं यार यहाँ पे n, तो जैसे यहाँ पे 1 से 3 का सम करो तो n 3 होगा, लेकिन यहाँ पे 1 से 3 करो तो n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, n विल बी 2। तो ये छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव, वेट अ मिनट, मैं इसको रब कर लेता हूँ, इरेज इंक ऑन, ठीक है? मैंने समझा दिया था यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दिस इज 48n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 24 थे, 24 into 2n इज 48n, और यहाँ पे 24 का स्क्वायर आएगा। वाई नॉट 47 स्क्वायर, बिकॉज 47 इज द लास्ट नंबर इन द सीरीज 1 plus 3 plus 5 plus ... 47। बट फॉर्मूले में जो n स्क्वायर आता है सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो n इज व्हाट, नंबर ऑफ नंबर्स, तो देयर आर 24 नंबर्स, सो दिस इज 5280। अभी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, जो बच्चे यहां 47 स्क्वायर करेंगे वो गलती कर देंगे, ठीक है? यहां पे क्या करना है, 48n इज इक्वल्स टू 5280 माइनस 24 का स्क्वायर, याद होगा सबको 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, ठीक है? 40, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है? अब इसको 48 से डिवाइड कर दो, तो ऑब्वियसली अब इसको डिवाइड करना भी मुश्किल नहीं है, मुझे दिख रहा है कि दिस इज 4800 माइनस 96 अपॉन 48 करेंगे तो n आ जाएगा, तो ये तो 100 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 98 टर्म्स आ गए। n की वैल्यू क्या आ गई, 98। तो तुमसे पूछा है 1 से लेके 98 तक का सम, तो क्या होगा 1 से लेके 98 तक का सम, 98 into 99 upon 2। क्लियर है सबको, ठीक है ना? इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 49 into 90। अब 49 into 99 डिफिकल्ट नहीं है, डोंट डू इट लाइक दिस, मैंने कैलकुलेशन का वीडियो बना रखा है एक, वो चेक कर लेना, उसमें जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज मत करो, क्योंकि कैलकुलेटर मतलब 49, पहले तो यहाँ पे क्लिक करके कैलकुलेटर खोलोगे, फिर आप क्लिक करोगे 49 into 49, फिर आंसर आएगा इक्वल टू दबा के, ठीक है? लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली 4900 minus 49, ये एक ट्रिक होता है। ट्रिक कैसे आता है, 49 into 99 है, तो 99 को you can write as 100 minus 1, so this is 4900 minus 49. अगर 999 से multiply करना होता, तो 3 zero लगा और 49 घटा दो, क्योंकि this is 1000 minus 1, तो बहुत simple है, answer क्या आएगा, 4851. समझ आ गया होगा सबको, ठीक है? इसमें देखो दो तीन चीजें मैंने use करी, एक तो ये simple mistake जो बच्चे करते हैं, n square, ये 24 लेंगे, 47 नहीं लेंगे, क्योंकि this is the number of odd terms, ठीक है? और ये जो n है वहां 98 आ गया, तो यहाँ पे 98 into n into n plus 1 by 2 का फॉर्मूला लगेगा, n minus 1 मत कर देना, ये भी गलती करते हैं बच्चे इसलिए, ठीक है? तो ये मत करना, जब भी डाउट हो n plus 1 आता है, n minus 1 आता है, उसके लिए दो तीन नंबर्स लेके चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, ठीक है? 10 सेकंड में वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन हो जाएगा कि आंसर सही है, तो n into n plus 1 by 2 लगा के हमारा आंसर। फिर मैंने मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे ट्रिक बताया कि 2 जीरो लगा के 49 घटा दो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज अ दिखने में लेंथी क्वेश्चन, इसको बच्चे छोड़ देते हैं देखते ही, कोई दिक्कत नहीं, हमें मैंने बहुत बार बताया 20 क्वेश्चंस को हमें पहले टारगेट करना है, इजी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ये इजी है ये टफ है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन इज पी परसेंट इफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स पी ग्राम्स, ये तो डिफाइन कर रखा है, फालतू लाइन है, ठीक है? पी परसेंट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 100, जैसे 10% अल्कोहल है, तो 100 ml में 90 ml पानी है या कुछ और है, 10 ml ही अल्कोहल है, ठीक है? Each of three vessels ABC. Now this is one vessel, this is another vessel, this is third vessel. Vessel का volume तीनों का 500, अच्छा 500 ml है तीनों का ही. इसमें 10% है, ठीक है? 10% मतलब इसमें salt कितना होगा? 50. 50 salt होगा, ठीक है? 10% of 500. इसमें 22 मतलब 110 gram salt होगा. और इसमें 32 मतलब 160 gram salt होगा. ठीक है, 5 से मल्टीप्लीकेशन का भी ट्रिक होता है, वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का। 32 into 5 है, तो 5 को 10 by 2 लिखो, बस 2 से डिवाइड करो, 160, ठीक है? देखो आगे,
Now 100 ml of the solution in vessel A is transferred to vessel B. ध्यान से देखो, 100 ml अगर मैं 100 ml इसका इधर दे देता हूँ, मतलब 500 में 50 है तो 100 में 10 होगा, तो 10 ml salt इधर आ गया, ठीक है? इधर कितना salt बच गया? 40. यहाँ 40 salt बच गया. समझ आ रहा होगा सबको? अगर मैं 100 निकाल के इधर डालता हूँ तो उस 100 में भी यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है तो 10% सॉल्ट ही होगा. तो 100 में 10 इधर ऐड हो गया, इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इधर बच गया 40 सॉल्ट ए में. बी में 120 सॉल्ट हो गया अभी, और बी में मतलब 120 सॉल्ट हो गया, और टोटल कंसेंट्रेशन पहले 500 था तो अभी ये 600 हो जाएगा, जिसमें से सॉल्ट कितना होगा 120, ठीक है? इसका कंसेंट्रेशन देखो चेंज हो चुका है, 20% हो गया, 22 से कम हो गया. कम क्यों हो गया? क्योंकि इसमें 22% में मैंने 10% वाली चीज मिला दी है, ठीक है? तो इसे इतना ध्यान नहीं देना, हमें बस सॉल्ट सॉल्ट को देखना है. आगे देखते हैं. देन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल बी, मतलब देन मतलब ये करने के बाद, मतलब इसके बाद, ठीक है? तो अब ये 20% सॉल्यूशन है, ध्यान देना, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया है 10% सॉल्यूशन. 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल बी इज ट्रांसफर टू वेसल सी. अब इसका 100 ml मैंने वेसल सी में ट्रांसफर किया है, इसका 100 ml, तो 100 ml में 20% के हिसाब से 20 ml इधर आएगा. ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है ना? 22 नहीं आएगा, क्योंकि अब मैंने इसमें 10 मिला दिया था तो ये 120 हो गया था, मतलब 20% कंसंट्रेशन हो गया था, 120 upon 600, ठीक है? अब इधर 20 ऐड होगा, 100 ml दूंगा तो 20% मतलब 20 ऐड होगा, तो इसमें 180 हो गया. और इसका टोटल कितना था? इसका टोटल 600 हो गया, मतलब इसका कंसंट्रेशन पे ड्रॉप होके 180 upon 600 30% हो जाएगा, ठीक है? समझ आ गया? मतलब इसका कंसंट्रेशन 32 से ड्रॉप क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसमें 20% वाला सामान मिला दिया है, तो 32 में 20 वाला मिला दिया है तो कंसंट्रेशन 32 से कम हो जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या दे रखा है? नाउ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल सी इज ट्रांसफर टू वेसल ए. अब इसको हम लोग वेसल ए में डालेंगे, तो वेसल ए में 100 डालेंगे तो साथ में 30 आएगा, 32 नहीं आएगा क्योंकि 32 अब चेंज हो चुका है, तो अब इसमें 70 ml हो गया. तो हमें ऐसे दिख गया आंसर जो होगा 70, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए. एक बार चेक कर लेते हैं. द स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन वेसल ए. वेसल ए में 70 ml है टोटल. इसमें देखो टोटल 100 निकाला था तो 400 हो गया था, अब मैंने 100 वापस डाला तो 500 हो गया, तो ये 500 से डिवाइड करना है तो 14 आ गया. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है? देखने में लेंदी था लेकिन बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है? दो बार ऐसे कर करके सॉल्ट का कंसंट्रेशन देखना था, तो अच्छा क्वेश्चन था. अच्छा मतलब करने लायक क्वेश्चन था इसको, लेकिन बच्चे छोड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है? लेकिन अगर थोड़ा टाइम दे दोगे ना तो ये हो जाएगा, टफ क्वेश्चन नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x - 3y, 5x - 3 power y, this is 5x upon 5 है ना? पावर में अगर माइनस होता है that means am upon an, ठीक है? और पावर में अगर प्लस होता है that means a power m into a power n. So this is 5x upon 5 plus 3 into 3y, ठीक है? is equals to 9686. And यहाँ पे क्या है? 5x minus 3y, 3 power y is this. तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि इसको मैं a और b ले लेता हूँ, कुछ भी वेरिएबल ले लेता हूँ. सो आई विल टेक, मैं थोड़ा पेन का इसको मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ. दिस इज a, सपोज मैंने 5x को a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया, ठीक है? समझ आ रहा है? सो दिस इज a, ध्यान देना, दिस इज a माइनस b इज इक्वल्स टू 13438, एंड दिस इज a बाई 5 माइनस प्लस 3b is equals to 9686, ठीक है? मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद ध्यान देना, उसको डायरेक्टली ऐड मत करना, पहले ये 5 की पावर x है तो x और y निकाल के फिर ऐड करेंगे, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दो लीनियर इक्वेशन है, तो दिस इज a प्लस 15b is equals to, इसको 5 से मल्टीप्लाई. 5 से मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक क्या होता है? 5 से मल्टीप्लाई करें मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो. सिंपल है, मतलब इसमें 0 लगाओ और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 3, ठीक है? सिंपल सा है. अब यहाँ पे मुझे पता है, अब यहाँ मैं a को रिप्लेस कर सकता हूँ. a को मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? 13438 प्लस b. मैंने इस इक्वेशन से a को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से रिप्लेस हो गया प्लस 15b इज इक्वल्स टू 48430. अब यहाँ से 16b की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर इसको सब्ट्रैक्ट करो, 13438 को सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज 4. ये कभी कभी हैंडराइटिंग के कारण गलती हो जाती है. दिस इज व्हाट, दिस इज 4, ठीक है? दिस इज 4, सब्ट्रैक्ट करो, दिस विल बी 2, ठीक है? दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 9, दिस इज 2 - 3 9 एंड दिस इज 3 - 4 9,
एंड दिस इज 7 - 3 = 4 एंड दिस इज 4 - 1 = 3 16 से इसको काट दो 16 से दिक्कत आती है तो थोड़ा 8 से काट लो 8 - 4 = 32 ठीक है 8 - 4 = 32 उसके बाद 29 8 - 3 = 24 59 8 - 7 = 56 32 8 - 4 = 32 फ्रूट 2 से अब काट लो इजी है 2 कैलकुलेटर यूज कर सकते हो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है जल्दी से निकल जाएगा 2 - 4 = 2 2 - 1 = 2 2 - 8 = 16 2 - 1 = 8 7 मतलब b की वैल्यू 2187 आ गई b की वैल्यू 2187 मतलब 3 पावर y इज 2187 ठीक है 2187 आएगा या 97 आएगा 2 1 8 ठीक है 87 ही आ रहा है ठीक है और यहाँ पे अगर मैं 2187 पुट करता हूँ तो b a आ जाता है a will be equals to b की जगह मैं 2187 पुट कर रहा हूँ तो 13438 प्लस 2187 ठीक है तो दिस विल बी 5 एंड यहाँ पे 25 ठीक है ऑब्वियसली 5 का पावर है तो 25 से एंड होने वाला है 5 एंड 5 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 1 1 5 6 2 5 बहुत ही अच्छा नंबर है ये बहुत बच्चों को याद भी होगा ठीक है ना दिस इज 125 का स्क्वायर सो दिस इज 5 पावर 6 ठीक है 125 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 25 का स्क्वायर 625 तो लास्ट में 25 इसका वीडियो में कैलकुलेशन की एक वीडियो मैंने लिंक में डाल रखी है ठीक है डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है चेक कर लेना और यहाँ पे 25 ऐड करो 150 तो ये 125 का स्क्वायर है दिस इज 125 का स्क्वायर दैट मींस 5 का क्यूब का होल स्क्वायर सो दिस इज 5 पावर 6 सो x इज व्हाट x इज 6 और यहाँ पे 3 का कुछ पावर है अब देखो 3 के पावर्स में लास्ट में 7 है तो ऑब्वियसली एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया ना अब 3 के पावर में 7 कहाँ पे आता है 3 पावर 1 = 3 साइक्लिसिटी का यूज कर रहा हूँ मैं 3 पावर 3 = 7 एंडिंग विद 7 अब 3 पावर 4 5 6 7 3 पावर 7 वापस एंड करेगा 3 पावर 7 वापस 7 में एंड करेगा ठीक है मतलब 3 के पावर्स कैसे चलते हैं 3 9 27 81 फिर 243 फिर 729 अब 729 का ट्रिपल ऑब्वियसली ये होने वाला है तो ये 3 पावर कितना है 7 है तो y की वैल्यू 7 आ गई मतलब x plus y is 13 इट वाज अ गुड क्वेश्चन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अमाल इन्वेस्ट 12000 एट 8% कंपाउंडेड एनुअली मतलब 12000 इनटू 1 प्लस 8 बाय 100 पावर अब पता नहीं कितने साल के लिए है एंड 10,000 एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली 10,000 इनटू 1 प्लस सेमी एनुअली में क्या होता है रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यही करते हैं ठीक है ना रेट को 2 से डिवाइड क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या होता है सेमी एनुअली का एक साल में 2 बार ऐसा इंटरेस्ट हुआ है मतलब दिस प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट और अब इस अमाउंट पे नया इंटरेस्ट लगता है ठीक है बोथ इन्वेस्टमेंट बीइंग फॉर 1 ईयर तो यहाँ 1 आएगा लेकिन यहाँ पे 2 आएगा ठीक है क्योंकि 1 × 2 हो जाएगा सेमी एनुअली है ना बिमल इन्वेस्ट्स मनी 7.5 फॉर 1 ईयर तो अब दे रखा है कि अमल एंड बिमल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा ये तो हो गया अमाउंट प्लस अमाउंट माइनस में मुझे क्या करना होगा टोटल पैसा इसने कितने लगाए हैं 22,000 है ना 12,000 इसमें घटेगा तो सीआई आएगा और 10,000 इसमें घटेगा तो सीआई आएगा तो टोटल मैंने एक ही बार में घटा दिया बिमल का इंटरेस्ट कितना होगा जो भी पैसा इसने लगाया है वही हमें निकालना है ठीक है इन्वेस्टेड बाय बिमल तो p इनटू रेट इज 7.5 अपॉन 100 इनटू टाइम इज 1 ईयर इसको सॉल्व करना है ठीक है इसका कैलकुलेशन देखो जल्दी से कैसे कर सकते हैं दिस इज 12000 प्लस 12000 का 8% ये तो सिंपल एक साल के लिए है तो si इज इक्वल टू ci तो दिस इज 12000 प्लस 8% कितना होगा 12 * 96 ठीक है तो ये तो सिंपल है और ये 10,000 तो होगा ही अब इसका मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा देखते हैं कैसे करेंगे दिस इज 3 by 100 सो दिस इज 103 अपॉन 100 का होल स्क्वायर ठीक है अब 103 इसका स्क्वायर वो वही ट्रिक वाले वीडियो में है या तो तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो 3 है तो 09 आएगा और 3 है तो हम 3 का डबल ऐड कर देते हैं ठीक है ये लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूं तो एक कैलकुलेशन ट्रिक का वीडियो देख लेना समझ आ जाएगा तो दिस इज डायरेक्टली दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन और बाकी कैलकुलेटर भी है तुम्हारे एग्जाम में तो इसको चेक कर सकते हो -22,000 इज इक्वल्स टू p into something इसको मैं अभी नहीं लिखूंगा बार बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा 12,000 प्लस 10,000 इज 22,000 तो ये कट जाएगा यहाँ पे सिर्फ 609 बचेगा मैंने 12,000 और 22 इससे 10,000 बाहर निकाल लिया तो ये कैंसिल आउट हो गया 960 प्लस 609 इज 96 और 1569 इज इक्वल्स टू p into 7.5 अपॉन 100 तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी
दिस इनटू 100 अपॉन 7.5. अब 7.5 है तो यहाँ पे 100 आज एक जीरो आ जाएगा. 25 से इसको काट दो 40 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 से इसको काट दो 3523. ठीक है, सिंपल सा है. 523 इनटू 4 इज 0, 4 3s आर 12, एक कैरी हो गया 9, 4 2s 8 plus 1 20920 इसका आंसर है. तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन भी था, करने लायक क्वेश्चन था. 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स के बीच में ये क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट है तो और जल्दी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ शॉपकीपर सेल्स टू टेबल्स ईच प्रोक्योर्ड एट कॉस्ट प्राइस. ठीक है, मतलब एक शॉपकीपर है, उसने दो टेबल्स पी पे लिया है. पी इज द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, टू अमल एंड असीम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. अमल को बेचा एक और एक असीम को बेचा एट 20% प्रॉफिट. मतलब अच्छा, एक को 20% प्रॉफिट एंड एक को 20% लॉस. मतलब अमल के लिए सीपी 1.2p है और असीम के लिए 0.8p है. ये शॉपकीपर है, ये अमल है, ये असीम है. ठीक है, असीम को लॉस में बेचा है, अमल को 20% प्रॉफिट में बेचा है. अमल, अब ये दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर बट कॉस्ट प्राइस फॉर अमल. दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर टू अमल एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर टू असीम. बट असीम ने खरीदा है तो दिस इज द सीपी फॉर असीम एंड अमल रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अमल ने इस टेबल को बिमल को बेचा. अब अमल ने जब बेचा तो 30% प्रॉफिट, तो 1.2 इनटू 1.3. ठीक है, 1.3 इनटू 1.2 पी, दिस इज द सीपी फॉर अमल. दिस इज 1.132, ये 1.56 होता है. तो दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर अमल. ये एसपी है अमल का, समझ आ रहा होगा सबको. और ये सीपी है बिमल का, है ना. चलो, असीम इस टेबल को वरुण को बेचता है 30% लॉस पे. तो दिस इज बिमल एंड दिस इज वरुण. तो वरुण 0.8 इनटू 0.7 में खरीदेगा. ठीक है, दिस इज द सेलिंग प्राइस फॉर असीम बट कॉस्ट प्राइस फॉर वरुण, समझ आ रहा होगा सबको. तो दिस इज 0.56p. इफ द अमाउंट पेड बाय बिमल एंड वरुण आर एक्स एंड वाई. बिमल का दिस इज एक्स, दिस इज फॉर बिमल, दिस इज फॉर वरुण. देन x माइनस वाई अपॉन p आपसे पूछा है, तो x की जगह हम डाल देंगे 1.56, दिस इज 0.56, दिस इज p इटसेल्फ. तो p बाय p इज 1. सिंपल क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जॉन गेट्स 57 पर आवर फॉर रेगुलर वर्क. रेगुलर वर्क अगर वो करता है तो 57 उसको पर आवर मिलता है एंड 114 फॉर ओवरटाइम. तो ओवरटाइम वर्क के लिए 114 पर आवर मिलता है. ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स. मतलब इसमें रेगुलर वर्क होगा और ओवर टाइम वर्क होगा. ओवर टाइम को मैं ओ से नहीं लिखूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा जीरो में, तो मैं टी लिख लेता हूँ. ठीक है, रेगुलर वर्क प्लस ओवर टाइम वर्क, दिस इज 172. दोनों के आवर्स का मैंने सम कर दिया. इनकम फ्रॉम ओवर टाइम, तो ओवर टाइम का इनकम कितना होगा, ओवर टाइम का आवर्स इंटू 140 पर आवर. ठीक है, और रेगुलर का इनकम कितना होगा, रेगुलर इंटू स्मॉल आर कर लेता हूँ, थोड़ा इजी होता है लिखने में. दिस इज स्मॉल आर इंटू 57 पर आवर. तो दे रखा है कि इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज 15%. तो दिस इज 15% ऑफ दिस. इससे हमारा एक रिलेशन और यहाँ एक रिलेशन सॉल्व करना है. ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं. 57 का ये डबल होता है. कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है. तो 2t इज इक्वल टू 15 बाय 100 आर. तो 100 इधर ले आओ, तो इसको काट दो 5 से 3 आर इज इक्वल टू, इसको 5 से काट दो 40t. अब मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा. ठीक है, आर की जगह मुझे निकालना क्या है, ओवर टाइम. तो मैं टी निकालना है तो मैं आर को रिप्लेस कर देता हूँ. तो टी प्लस आर की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, 40t बाय 3. ठीक है, सिंपल सा है, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है. सॉल्व कर लो, दिस इज 43, टी इज इक्वल टू 172 इंटू 3, ये 4 टाइम्स कट जाएगा तो टी की वैल्यू आ गई 12. तो इसने 12 आवर्स ओवर टाइम वर्क किया है और टोटल वर्क कितना, 160. तो 160 आवर्स इसने, है ना, 40 बाई 3 इंटू 12 करके देखो कितना आता है, 160 आता है. तो हमारा वेरीफाई भी हो गया, करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The real root of the equation this is. Real root of the equation this is. अच्छा, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया हमारा. ये मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है. ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से बाद वाले क्वेश्चंस आ गए. ठीक है, तो हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है पूरा. स्लॉट टू दो पार्ट्स में वीडियो है. पार्ट वन इसमें की फर्स्ट 17 क्वेश्चंस है और पार्ट टू इसमें की है. अब ये देखो, इस पेपर का मैं वापस एनालिसिस कराता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन करने लायक. तो दिस इज अ इजी क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इजी क्वेश्चन. कैलकुलेटिव क्वेश्चन यू कैन स्किप, बट कैलकुलेटर यूज करके ये भी इजी क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, पर कैलकुलेशन वाइज भी ये थोड़ा सा, मतलब कैलकुलेशन है इसमें, पर कैलकुलेटर यूज कर लोगे तो दिस इज ऑल्सो मीडियम क्वेश्चन. ओके, दिस लुक्स टफ बट दिस इज एन इजी क्वेश्चन. पीपल विल लीव दिस क्वेश्चन बट दिस इज इजी.
मैं इसको काट देता हूँ फिलहाल के लिए, लेंथी दिखता है आपको लेकिन ये है नहीं टफ, आपने देख लिया होगा वीडियो। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस इसमें लास्ट टर्म देखना था मुझे, 399 होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, ये क्वेश्चन भी इजी था, इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे, बस इसको यहाँ वैल्यू पुट करनी थी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दिस वाज अ टफ क्वेश्चन बट इसमें हमें 57 का मल्टीपल देख के आंसर आ जाता। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इजी, फैक्टर्स का नॉलेज है इसमें तो आ जाएगा। दिस वाज ऑल्सो इजी क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये भी इजी क्वेश्चन था, बस इसमें आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए थी, ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, एंड दिस वाज अ पिरामिड क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम। आई होप यू लाइक द वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, ठीक है।